आर्किटेक्चर का हम बात करें तो कुछ नए नए फीचर्स इन लोगों ने इसमें इंडक्ट किए, लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ बुलबस डोम, बहुत अच्छे लेवल का उन्होंने डबल डोम्स काफी यूज किए इन लोगों ने. देन दे ऑल्सो यूज पिएट्रा डूरा, दीज आर द यूज ऑफ जेम स्टोन्स फॉर द डेकोरेशन पर्पज. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग दिस इज प्लेड बाय अकबर. अकबर के बाद सबसे बड़ा रोल है वो कौन प्ले करते हैं, शाहजहां. अकबर इज नोन फॉर आगरा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज वी फाउंड इन द फतेहपुर सिकरी. और बहुत सारे हैं, लाइक फतेहपुर सिकरी में वी हैव बुलंद दरवाजा, वी हैव बीरबल्स पैलेस, सुल्ताना पैलेस, बहुत सारे आर्किटेक्चर हमारा वहीं पर ही है. जहांगीर कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही आता, टूम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला. इतिमादुद्दौला ही वॉज द फादर ऑफ नूरजहां, तो उनका टूम बनाया था नेचुरली. ओके, सो इतिमादुद्दौला, दिस इज द फर्स्ट टूम इन विच वी सी द यूज ऑफ पिएट्रा डूरा ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, तो दिस इज लाइक अ मॉडल फॉर ताजमहल. इतिमादुद्दौला का जो टूम्ब है इट इज लाइक अ मॉडल फॉर ताजमहल, और इसको भी हमने व्हाइट मार्बल में ही बनवाया. ठीक है, दिस वॉज इन व्हाइट मार्बल एंड दिस वॉज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड एंटायरली ऑफ व्हाइट मार्बल, पहली है. और इसी को यूज करके बाद में ताजमहल बनेगा. ताजमहल एज ऑल ऑफ अस नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दिस रेड फोर्ट वॉज क्रिएटेड, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, शालीमार गार्डन, बहुत सारी चीजें बनी ड्यूरिंग टाइम ऑफ शाहजहां अंडर औरंगजेब. औरंगजेब वी हैव बादशाही मॉस्क इन लाहौर, एंड ताजमहल तो नहीं बनवाया इन्होंने, अपना क्या बनवाया, बीबी का मकबरा, विच इज नोन एज पुअर मैन्स पैलेस, है ना, बहुत छोटा सा है इफ यू कंपेयर इट विद ताजमहल. सो दैट इज नोन एज बीबी का मकबरा, बिकॉज सारा पैसा तो लड़ाई में चला गया ना, इन चीजों के लिए ज्यादा टाइम ना टाइम था ना पैसा बचा. सिविल वर्क एंड पब्लिक यूटिलिटी, एज आई टोल्ड यू, शालीमार गार्डन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, दे एग्जाम्पलीफाई द इंडियन हॉर्टिकल्चर. सो दे वर क्रिएटेड इन श्रीनगर ऑल्सो, लाहौर ऑल्सो, और शालीमार उसी की वजह से एक फेमस नेम है. आज की डेट में दिल्ली में शालीमार डालोगे 50 गार्डन के नाम क्या है, शालीमार गार्डन. सो फ्रॉम हियर इट हैज बिकम वेरी फेमस. ये बुलंद दरवाजा है, इट इज हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती स्टाइल. दिस इज योर पंचमहल. ओके, पता नहीं क्या आर्किटेक्चर बनाया, बट एनी वे दिस इज रेड फोर्ट. पेंटिंग्स, नाउ पेंटिंग्स इज समथिंग विच वॉज इनिशियली वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, दे वर फॉरबिडन इन द दिल्ली सल्तनत, दे डिड नॉट अलाउ इट. इवन अंडर बाबर वी डू नॉट सी एनी स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ पेंटिंग, बट व्हेन हुमायूं वेंट टू पर्शिया, बिकॉज पर्शिया दे वर फॉलोअर ऑफ शिया, सो ही केम आउट विद टू पेंटर्स. दीज पेंटर्स वर वेरी फेमस, अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली, एंड व्हेन दे केम बैक दिस इज हाउ वी सी द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ऑफ पेंटिंग. इट विल बी टेकन टू द नेक्स्ट हाइट बाय अकबर. अंडर अकबर देवर टू वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, दशवंत एंड बसवंत, एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज द पोर्चुगल्स हैज ऑलरेडी कम एंड द अकबर अलाउड देम टू कम अप विद देयर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर. दिस पेंटिंग विल रीच द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर. पोर्ट्रेट पेंटिंग, डिपिक्शन ऑफ एनिमल, मंसूर वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी एंड यूज टू मेक वेरी गुड पोर्ट्रेट्स. An influence of Mughal miniature also can be seen during this time, and again under whose influence? European painters. After this is only decline, because if we see Aurangzeb, he was a complete follower of Sunni ideas and he said this is against Shariat. Okay, so that's why this was abolished, and that's why in 17th century we see rise of many regional schools of painting in India. Isme pahadi school wagera ye sare school hai na, to ye sare schools kis mein shuru hote hain? After the time of Aurangzeb. So that's why it's going to flourish. When it comes to music, the most powerful name is Tansen. Tansen's real name was Ram Tanu Pandey, and he was born in Gwalior. Okay, and he was working under the Raja of Rewa. Rewa ke jo Raja the, unke yahan karte the. Raja of Rewa, okay, had given him the title of Tansen. अकबर ने नहीं दिया था, ये यूपीएससी ने पूछ लिया था 2-3 साल पहले कि इनको टाइटल ऑफ तानसेन किसने दिया था. तो इट वॉज नॉट गिवन बाय अकबर, ओके, इट वॉज गिवन बाय द राजा ऑफ रीवा. एनी वे तानसेन ही वॉज वेरी गुड एट द सिंगिंग. ही वॉज सो पॉपुलर इन हिज एरिया दैट द सेम थिंग ऑल्सो रीच्ड अकबर. सो अकबर ने बुलाया इनको, तानसेन को, कि प्लीज कम टू माई कोर्ट, अडोन इट विद योर रस, है ना. सो ही सेड नो. Then he was finally convinced by the Raja of Rewa. Ramchandra Raja the wahan ke. Unhone inko convince kiya, kehne nahi Akbar ke yahan jao, naam banega. And then eventually all of us know by his name Tansen, but his real name was Ram Tanu Pandey. ठीक है, तो पांडे जी थे, राम तनु पांडे, from Gwalior, and from here he got the name Tansen in the
किंगडम ऑफ रीवा हुज किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज रामचंद्र. देन लिटरेचर, लिटरेचर में तो बहुत बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके लाइक इफ वी सी अकबरनामा, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल अब्दुल हामिद लाहौरी, ही हैज रिटन पादशाहनामा एंड दिस बिलोंग्स टू द रेन ऑफ शाहजहां. देन वी सी मोहम्मद काजिम एंड ही हैज रिटन आलमगीरनामा, द इनिशियल फेज ऑफ औरंगजेब. आलमगीर वर्ड किसके लिए होता है? औरंगजेब के लिए. तो आलमगीरनामा कवरिंग द इनिशियल फर्स्ट डेकेड, पहले 10 साल. लिटरेचर में बहुत डेवलपमेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम. ट्रांसलेशन बहुत सारा हुआ, लाइक उपनिषद दाराशिको हैज रिटन दिस सारे अकबर, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद. देन वी हैव संस्कृत लिटरेचर दैट हैज ऑल्सो कंटिन्यूड इन दिस टाइम, लाइक वी हैव द राजवली पत्रिका बाय प्रजना भट्ट, नीलकंठ हैज रिटन तजिका नीलकंठी, एंड वी ऑल्सो सी जगन्नाथ पंडिता हु हैज रिटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रस गंगाधर. सो दैट इज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन लिटरेचर. एज आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे ऑल्सो, ये सब चीजें ना रट्टा मारनी है, बिकॉज यूपीएससी में पूछा जाता है 10 मार्कर 15 मार्कर. तो यहाँ पे सिर्फ नाम याद आना चाहिए आपको कि वट इज द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन द मुगल पीरियड. जो कभी एक बार संस्कृत पूछते हैं, कभी हिंदी पूछ लेते हैं, कभी पर्शियन पूछ लेते हैं, तो आपके पास हर किसी के लिए कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल होने ही चाहिए. इफ वी आर वीक हेयर मार्क्स कम हो जाएंगे. उर्दू, एज वी ऑल ऑफ नो, उर्दू इज गोइंग टू बिकम प्रोमिनेंट. वाई? बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ विच टू लैंग्वेजेस, पर्शियन एंड हिंदी, बोथ विल मर्ज एंड विल सी द राइज ऑफ उर्दू. है ना, उर्दू सुनने में बड़ी अच्छी लगती है. तुलसीदास ड्यूरिंग द सेम टाइम ही हैज रिटन इन अवधि, ओके, रामचरितमानस. इन इन मराठी ऑल्सो लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कम फ्रॉम द फेमस सेजेस लाइक एकनाथ, तुकाराम, रामदास. तेलुगु में कृष्णदेवराय, अलासनी पेदना, जो हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ओके, वी हैव रिमेंबर द कृष्णदेवराय वॉज द कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बाबर, कल हमने डिस्कस किया था इसको. मलयालम में रामायण महाभारत वर कंपोज, असामीज में शंकर देवा इनिशिएटेड भक्ति पोएट्री ट्रेडिशन, बंगाली में चैतन्य कल्ट बिकेम प्रोमिनेंट इन बंगाली लिटरेचर, पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहिब, दिस वॉज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन देव एंड लेटर ऑन इवेंचुअली इट बिकेम द पार्ट ऑफ खालसा पंथ ऑल्सो और द इटर्नल गुरु ऑफ द सिक्स. तमिल लिटरेचर डोमिनेटेड बाय शैविज्म एज वेल एज वैष्णविज्म. सो मैनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज दे इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दैट्स हाउ लिटरेचर बिकेम अ वेरी की थीम ड्यूरिंग दिस टाइम. ये चार्ट भी आप लोगों को हमने एनसीईआरटी से निकाल के दिया है. लाइक बाबर, ही हैज हिमसेल्फ रिटन तुजुके बाबरी एंड इन विच लैंग्वेज? टर्किश. ओके, एंड द कंटेंट इज द ऑटोबायोग्राफी इटसेल्फ. देन वी हैव मिर्जा मोहम्मद हैदर एंड ही वॉज द कजन ऑफ एम्परर बाबर. ही हैज रिटन तारीख रशीदी, दिस इज इन पर्शियन एंड इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स ऑफ सेंट्रल एशिया, नॉट ऑफ इंडिया. गुलबदन बेगम, शी वॉज द डॉटर ऑफ बाबर और द सिस्टर ऑफ हुमायू एंड शी हैज रिटन हुमायू नामा. शी वॉज कॉल्ड बाय अकबर, शी वॉज रिजाइडिंग इन अफगानिस्तान, उनको बुलाया गया था कि आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए एंड देन दिस हुमायू नामा वॉज रिटन. देन अब्बास खान सारवानी, देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट अब्बास खान सारवानी हैज रिटन तारीख़े शेरशाही. तो जो शेरशाह की हिस्ट्री है वो किसने लिखी है? अब्बास खान सारवानी, अगेन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर. अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट पर्सनैलिटी कि नहीं यार आप लिखो, इवन इफ ही वॉज अगेंस्ट अस बट एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट द मैन. सो अब्बास खान सारवानी वॉज एन ऑफिशियल, ही हैज सर्वड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर खान. तो उनको बुलाया गया तो उन्होंने फिर ये लिखे एंड डिस्क्राइब द कंटेक्ट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह. देन रिजकुला मुस्ताकी, ही हैज रिटन वकीकत ए मुस्ताकी एंड इलाबोरेट्स ऑन शेरशाह एंड इस्लाम शाह. फरिश्ता हैज रिटन अबाउट द मुस्लिम रूल इन जनरल टिल 1612. Then we have Abul Fazl, which we already know about, Akbarnama bhi likha aur Aina Akbari in fact is a smaller part of Akbarnama itself. Then we have Khwaja Rizwan Ahmad, he has written Tabaqate Akbari in Persian, deals with Mughals up to Akbar. Abdul Qadir Badawani, inka naam yaad rakhna, theek hai? He was a religious fellow and he has written Muntakhab Tawarikh and he has criticized Akbar everywhere, wherever it was possible. And through him we get to know that Akbar was so liberal. Because he was a hardliner, he wanted that everything which is written in the Sharia should be followed as it is, and no kind of discount should be given towards the practices. So that's why remember his name, Abdul Qadir Badawani. That is very very important. Jahangir, he has written his own autobiography, Tujuke Jahangiri. Again, it's an autobiography. Mutamid Khan, he has written Iqbal Nama and talks about the description of Mughals. अब्दुल हामिद लाहौरी जो हमने अभी देखा है, इट इज पादशाह नामा एंड दिस इज रिटन ड्यूरिंग टाइम ऑफ शाहजहां.
सो पूरा वर्क है, इसको याद कर सकते हो. दिस इज मोर लाइक हिस्ट्री, कि व्हाट हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कितना हमें हिस्ट्री के बारे में जाना पड़ा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स. सो दीज आर द वेरियस सोर्सेस दैट वी हैव. हर किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आए, पहले सोर्सेस कोट कर दो, इट बिकम्स ईजी. दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे. दीज आर द मेजर टाइमलाइंस. 26 में क्या था? बाबर डिफीट्स इब्राहिम लोदी. 1530 to 1540 फर्स्ट फेज ऑफ हुमायूंस रेन, इंस्टेबिलिटी इज देयर. देन कम्स द कमिंग ऑफ द शेर खान एंड ही गोज इनटू एक्साइल इन द सफाविद किंगडम. 55-56 ही अगेन रीगेन्स हिज लॉस्ट टेरिटरी. देन वी हैव द रेन ऑफ अकबर, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आल्सो इन 1556. 1605-27 रेन ऑफ जहांगीर. देन कम्स द रेन ऑफ शाहजहां, औरंगजेब. 1739 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह. सो नादिर शाह अगेन ही केम फ्रॉम पर्शियन साइड एंड ही ऑल्सो टूक द फेमस विच थ्रोन, पीकॉक थ्रोन वॉज टेकन अलॉन्ग विद दैट. ओके. 1761 एज ऑल ऑफ अस नो इट वॉज अहमद शाह अब्दाली, एंड वी सी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. 65 इट इज अबाउट द ब्रिटिश, दे वर एबल टू गेट द दीवानी राइट्स. एंड 1857 द लास्ट ऑफ द रूलर बहादुर शाह जफर, ही वॉज ब्रॉट डाउन. दिस इज अ कंप्लीट टाइम लाइन ऑफ मुगल एम्पायर विच इज फर्दर डिवाइडेड टू टू पार्ट, वन अप टू 1707 एंड सेकेंड फ्रॉम 1707 टू 1857. फर्स्ट फेज में देर आर अचीवमेंट, इन सेकेंड दे आर मोर लाइक हमारे साथ जाती हो गई है ना, एक एक करके सब खत्म हो गया हमारा. नादिर शाह आ गए, अहमद शाह अब्दाली आ गए, दीवानी राइट्स भी चले गए, एंड फाइनली हमारा टाइटल भी चला गया. एवरीथिंग इज गॉन. ओके. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज टिटुलियर टिटुलियर, सिर्फ नाम के राजा थे, बाकी उनका कुछ ऐसा ढंग नहीं था. लाइक वन ऑफ द इनफेमस पर्सन अमंग देम इज मोहम्मद शाह रंगेला है ना, वो यूज टू डांस, कथक के बहुत बड़े चैंपियन थे. डांस में प्रोग्रेस करवाई उन लोगों ने, जैसे कायकू बात थे म्यूजिक के लिए, ऐसे ही हमारे रंगीला है कथक के लिए. हाय, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम विकास अलावत, आई एम अ फॉर्मर सिविल सर्वेंट. आई वॉज एबल टू क्रैक यूपीएससी ट्वाइस. इन फैक्ट इन 2018 आई वॉज एबल टू गेट हाइएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल एंड देवर अराउंड 324. सो दिस ईयर आई एम कमिंग अप विद अ सीरीज विच आई एम कॉलिंग सेल्फ स्टडी हिस्ट्री ऑप्शनल. इस सीरीज में 100 से ज्यादा वीडियो होने वाले हैं विच आर गोइंग टू कवर द डिफरेंट नुआंसेज ऑफ एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री. So those of you who are preparing for 2025, register kariye and try to get the maximum out of this specific initiative of ours. So at Prep Career IAS, we are producing results from last many years. 2023 mein bahut sare toppers hamare institute se the. 2022-21 har saal bahut acche toppers yahan se nikle hain and they have been able to get very good marks in history optional. So those of you who are thinking ki yaar start karke kitna kar payenge kitna nahi kar payenge, we already have achievements with us. I was able to achieve, my students are achieving, and you can be the next. इन सेशंस में क्या होने वाला है? नंबर वन, विल बी फोकसिंग ऑन फाउंडेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, बेसिक लेवल. ओके. सेकंड, अलाइनमेंट विद यूपीएससी सिलेबस. जितना भी हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है वो 51 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो वी आर गोइंग टू अलाइन ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद द सिलेबस इटसेल्फ. नंबर थ्री, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग. ऑल ऑफ यू नो कि जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव लेवल पे होता है, और आप सब लोगों को आंसर राइटिंग सीखना शुरू करना पड़ेगा, है ना. वी डू नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम, तो जस्ट स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग शुरू करेंगे. एंड नंबर फोर, द ओवरऑल पैकेज इज वेरी हॉलिस्टिक इन नेचर. तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो बेसिक लेवल फाउंडेशन हिस्ट्री ऑप्शनल की वो कंप्लीट हो जाएगी. You are going to get many important things along with this. Okay, 100 plus session है, चारों part cover होंगे. Theme wise segregated diagram, flow chart, जितने भी important NCRTs हैं. देखो अगर हम सारी NCRTs को combine कर दें, ancient, medieval, modern world of various boards of India, तो 25 से 26 NCRT निकल के आती हैं. उन सबको हमने coherent form में design किया है so that you can learn the best from that. ओके. बिकॉज देखो हिस्ट्री में रिसर्चेस चलती रहती हैं. अभी तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द रीसेंट हिस्ट्री देन द प्रीवियस हिस्ट्री जो कि आर एस शर्मा वगैरह, सतीश चंद्रा या फिर बिपिन चंद्रा ने लिखी है. दैट्स वाई वी आर कवरिंग ऑल द एनसीईआरटीज एंड दैट्स वाई 100 प्लस सेशंस हो जा रहे हैं टोटल मिला के. देन 30 प्लस वैल्यू एडेड आपको डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं, डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन मिलेंगे, जूम सेशंस भी करेंगे बाद में ताकि आप लोगों की जितने भी डाउट्स हों विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग दे कुड बी सॉल्व. ओवरऑल जो है आपको क्लास की पीपीटीज मिलेंगी,
कंसेप्ट लिस्ट मिलेगा, PYQs, जितने भी PYQs हैं उनको अच्छे से हमने डिज़ाइन कर दिया ताकि आप सब उनको अच्छे से पढ़ सकें, माइंड मैप मिलेंगे पूरे सिलेबस के, वर्कबुक और लर्निंग असाइनमेंट्स मिलेंगे एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सो दैट वंस यू लर्न समथिंग तो साथ में उसको एटलीस्ट इवेल्युएट भी करना चाहिए ना कि भाई हमें कुछ समझ में आया भी है नहीं आया, एटलीस्ट जितना रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं। तो आपको करना क्या है, वट वी नीड टू डू दैट, सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक गूगल शीट मिलेगा उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए, देन एज ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड हर किसी के पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक कॉल आएगा एंड दैट इज समथिंग विच वी आर कॉलिंग अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, बिकॉज अगर हमें आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वी कैन हेल्प दे आर ऑलवेज लिमिटेड इन नेचर, सो अकेडमिक काउंसलर इज गोइंग टू कॉल यू, दे गोइंग टू हेल्प यू और दे गोइंग टू अंडरस्टैंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हो सकता है आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और यू मे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सम टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस चाहिए होगा एंड फाइनली on the basis of this you're going to get the benefit of this program.